हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टर्न इनटू ओसम पे। अगर आप भी अपनी कार में, बस में, ट्रक में, ऑटो रिक्शा में, ट्रैक्टर पे, कहीं पे भी एक सबवूफर ऐड करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि इस प्रकार के एम्पलीफायर लगे, पूरा एक वायरिंग किट हमें इंस्टॉल करना पड़े, काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए, काफ़ी ज़्यादा तामझाम बढ़ जाए, तो और फिर भी आप बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का बेस चाहते हो, तो वीडियो आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। पिछला जो ये बिल्ड था, काफ़ी ज़्यादा आपने उस बिल्ड को प्यार दिया और काफ़ी ज़्यादा आप सबके ऑर्डर भी आए उस बिल्ड के रिलेटेड। ये छोटा सा जो चीज़ है वो भी आपको आज इतना ज़्यादा शौक में डाल के जाने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हाल फिलहाल में ही मार्केट में आया है और आप में से कई लोग ने इस बोर्ड को देखा होगा, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो 50 प्लस 50 वोट में भी आता है, 100 वोट में भी आता है, लेकिन ये अपना जो बोर्ड है ये बिल्कुल एक सबवूफर के लिए डिज़ाइन हुआ बोर्ड है। अगर आप भी अपनी फैमिली का हिस्सा हो तो आपको पता होगा कि इस प्रकार का एक जो इंकोशन की तरफ से आता है, ये हमने रिव्यू किया था, ये भी 100 वोट का बोर्ड है और बिल्कुल एक कार के लिए डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड है। लेकिन इसके परफॉर्मेंस जानने के बाद मैंने रिव्यू दिया था कि इसको यूज़ करना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी भरा काम है, इतने ज़्यादा पैसे इसमें डालने हैं, करीबन 1100-1200 रुपए की चीज़ थी। तो ये देखिए, आज के इस वीडियो में ये प्रोडक्ट मैं आपके सामने इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसका जो बेस परफॉर्मेंस है वो पर्टिकुलरली इतना क्लियर और इतना पावरफुल है कि एक बार के लिए आपको विश्वास नहीं होगा कि ये बोर्ड सिर्फ 100 वोट का है। तो ये है अपना गाइस गोल्ड A008 मॉडल नंबर के साथ TPA 3116D2 सिंगल IC 100 वोल्ट मोनो 24 वोल्ट सबवूफर एम्पलीफायर बोर्ड। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशन में बता दूं, जो इसकी साइज है आप देखिए, कुछ इस प्रकार की इसकी साइज रहने वाली है, अप्रोक्स 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी साइज है। उसके बाद ये देखिए, मेन आपको दो वॉल्यूम इधर देखने को मिल जाते हैं, एक अपना सबवूफर की फ्रीक्वेंसी है ये देखिए और एक अपना सबवूफर का वॉल्यूम है। उसके बाद आपको इनपुट के लिए दो सेक्शन मिल जाते हैं, चाहे आप कनेक्टर लगा लो, चाहे आप डायरेक्टली ऑक्स पिन इंसर्ट कर दो। उसके बाद ये देखिए गाइस, इसमें आए पीछे दो जैक मिल जाए, एक आपको DC इन करना है 24 वोल्ट। उसके बाद जो बेस है इधर आपका सबवूफर अटैच हो जाएगा, तो पूरा सेट रेडी हो जाएगा चलने के लिए। चलिए अब इसमें कुछ लगे कंपोनेंट के बारे में बात करें। उससे पहले इसमें कौन सी IC लगी है, ओरिजिनल IC है, कॉपी IC है, चलिए इसको खोल लेते हैं। इसमें एक ओरिजिनल अपनी 32 पिन की TPA 3116D2 IC लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल बोर्ड है। बाकी कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, अच्छे पावर आउटपुट के लिए दो अपनी ये इन सील्ड कोयल लगी हुई है 150 की। उसके बाद ये देखिए, पावर कैपेसिटर लगा हुआ है 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफेराडे का, ये देखिए। मजे की बात देखिए, इसमें आपको डायोड प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो गलती से आप उलट पुलट कनेक्शन या पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव कनेक्ट कर दोगे तो ये आपके बोर्ड है उसको बिल्कुल ये बचा लेगा, डैमेज होने नहीं देगा। उसके बाद चलिए इसमें देखिए, ये पूरा ही लो पास फिल्टर या लो पास सेक्शन है, तो उसमें आपको TL072 IC देखने को मिल जाती है, अगर आप देख पा रहे होगे तो बहुत ही अच्छी LPF IC है। ये दो IC का यूज़ हुआ है, एक अपने वॉल्यूम के लिए और एक फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए, तो जो इसका गेन है, उसका जो आउटपुट है और इसकी जो फिल्टर की क्वालिटी है वो हम अभी चेक करेंगे, ताकि आप भी कभी इस प्रकार के क्लास डी बोर्ड को टेस्ट करने के लिए निकालते हैं हीट सिंक को, तो बिल्कुल थर्मल पेस्ट के सिवा इसको वापस ना लगाए। इधर आप देखोगे तो देखिए, 2 से 4 ओम और 12 से 24 वोल्ट। इसमें जो है 2 से 4 ओम है, उसकी जगह पे आपको 3 ओम से लेके 6 ओम तक का यूज़ करना है, तभी आप इसका प्रॉपर आउटपुट ले पाएंगे और तभी ये बोर्ड भी लॉन्ग थ्रू जाएगा। उसके बाद 12 से 24 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन 24 वोल्ट आप दोगे तभी ये 100 वोट पूरा आउटपुट दे पाएगा, वरना ये जो बोर्ड है ये मैक्सिमम आपको 50 वोट आउटपुट ही दे पाएगा 12 वोल्ट पे। तो अब क्या हो कि अगर हमें 12 वोल्ट वाली बैटरी या 12 वोल्ट वाली बैटरी जिसमें लगी है उस व्हीकल में इसको यूज़ करना है, जैसे ऑटो रिक्शा, कार वगैरह में, जिस प्रकार से आप DC बूस्टर कन्वर्टर जो आते हैं इसका यूज़ कर सकते हो, ये जो बोर्ड है ये डायरेक्टली आपके 12 वोल्ट इनपुट दोगे, 12 से 16 वोल्ट या 24 वोल्ट करके दे देगा। ये 150 वोट का है और ये भी 150 वोट का है,
इसमें आपको वोल्टेज सेट करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये 35 वोल्ट तक इसको बूस्ट कर सकता है और ये परफेक्टली 12 से 24 वोल्ट आउटपुट देगा। तो आप दोनों में से किसी का यूज़ करके इस बोर्ड को आराम से चला सकते हो। उसके बाद गाइस बात करें कि आपके पास घर में कोई एम्पलीफायर बनाया हुआ है जो कि 2.0 है, 44-40 हो गया, 30-55 हो गया, या XYZ कोई भी एम्पलीफायर जिसमें कि अब आप सबवूफर ऐड ऑन करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपल से आपको इस प्रकार का एक SMPS लेके आना है। ये देखिए, ये DC 24 वोल्ट 4 एम्पियर का SMPS है, तो ये 100 वोल्ट का SMPS है। 24 × 4 करोगे तो 96 इस प्रकार से। तो चलिए गाइस, ये तो बात हो गई कि किस प्रकार के SMPS आपको यूज़ करना है, किस प्रकार के स्पीकर का यूज़ करना है। अगर आप भी इस प्रकार का कोई बिल्ड बनाते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि इसका कैबिनेट कहाँ से ढूंढे जो बिल्कुल आसानी के साथ इसमें लग जाए, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके ही आया हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये इस प्रकार का पूरा बिल्ड है जो कि परफेक्टली इसके लिए ही डिज़ाइन हुआ है। ये देखिए, इसमें आपको आगे की ओर फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, इनपुट, ऑन ऑफ स्विच और पीछे की ओर देखिए सब ऊपर के लिए बनाना सॉकेट प्रॉपर एक क्वालिटी के साथ। उसके बाद इनपुट और आउटपुट, ये पूरा बिल्ड मैंने बना लिया है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रकार का बिल्ड आप लेते हो, कैबिनेट लेते हो, ये सिर्फ आपको बॉल लगाते जाना है, बिल्ड बनता जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड भी डायरेक्टली इसमें लग जाएगा, प्लग एंड प्ले वाला। ये देखिए, और अब देखिए अगर आप इसको 24 वोल्ट वाला बनाना चाहते हो तो बिल्कुल इसी प्रकार से बना लीजिए, डायरेक्ट 24 वोल्ट दीजिए, आपका बोर्ड रन हो जाएगा, एम्पलीफायर पूरा ही चलने लगेगा। अब मान के चलिए आपको इसको 12 वोल्ट वाला बनाना है, इसमें एक ये ऐड कर दीजिए या तो फिर ये ऐड कर दीजिए इधर की ओर, तो ये आपका 12 वोल्ट वाला सेट बन जाएगा। आपको 12 वोल्ट देना है, 12 को ये 24 वोल्ट करेंगे और इस एम्पलीफायर को देंगे तो ये प्रॉपर आउटपुट के साथ पूरा एक बिल्ड बन जाएगा। अब मान के चलिए किसी को घर में यूज़ करना है तो ये SMPS इसमें लगा दीजिए, डायरेक्ट 220 वोल्ट दीजिए, 24 वोल्ट करेगा, बोर्ड को देगा, आपका बिल्ड रेडी हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ सामान या इसमें से कुछ सामान आप परचेस करना चाहते हो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, उसमें आपको व्हाट्सएप कैटलॉग की लिंक मिल जाएगी, उसी के थ्रू आप कॉन्टेक्ट करके सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो। अपने सारे जो ऑर्डर रहते हैं वो प्रीपेड रहते हैं, तो कृपया कैश ऑन डिलीवरी के बारे में ना पूछें। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सेट को ऑन करते हैं। इसकी जो टेस्टिंग है हम इस प्रकार के दो हेवी सब ऊपर के साथ करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सब ऊपर की क्वालिटी चेक कराता हूँ। जिन लोगों ने मेरे से परचेस करके इस चीज़ को यूज़ किया है वो जानते हैं कि इसकी बेस की जो क्वालिटी और क्लैरिटी वो कितनी लाजवाब है। तो ये देखिए, ये अपना 8 इंच का सब ऊपर है, 120 mm मैग्नेट के साथ और पुश टर्मिनल के साथ। ये देखिए, और ये अपना 150 वोल्ट RMS का सब ऊपर है, और आप इसकी कौन की क्वालिटी चेक कीजिए। तो एक सब ऊपर हम ये यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए और एक हम इस सब ऊपर का यूज़ करेंगे, ये भी इसका बड़ा भाई है, ये 10 इंच का सब ऊपर है, 250 वोल्ट RMS का सब ऊपर है, ये ड्यूल 120 mm मैग्नेट में है और इसमें भी आपको पुश टर्मिनल देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, और इसके देखिए इस टर्मिनल की आप क्वालिटी चेक कीजिए एक बार। तो अभी के लिए मैं घर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इस प्रकार से 24 वोल्ट के SMPS का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको ऑन करिए तो इसमें देखिए आपको एक ब्लू इंडिकेशन LED मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करें साउंड टेस्टिंग। तो ये देखिए गाइस, पूरा सेटअप रेडी है, ये एक ऑक्स केबल के थ्रू सारा सेट मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये कि सिंगल वायर के साथ अपने 8 इंच के सब ऊपर के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है और इधर अपना 24 वोल्ट का SMPS लगा हुआ है। चलिए गाइस सेट को ऑन करते हैं, सैंपल सुनते हैं, हेडफोन पहन लीजिए। Thank you.
तो चलिए गाइज, अगर आपके पास भी इसी प्रकार का कोई एक पुराना ब्रांडेड सबवूफर पड़ा हुआ है, जैसे कि अपने पास JBL 1100 वॉट का ओरिजिनल एक 12 इंच सबवूफर पड़ा है जिसमें कोई एम्पलीफायर लगा हुआ नहीं है, अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो देखते हैं कि क्या इसको ये चला पाएगा, कितना बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। तो गाइस जो ये अपना पूरा सेट है वो बिल्कुल 38 से लेके 42 के बीच में रहता है। तो गाइस आपने देखी इसकी टेस्टिंग, 8 इंच समझ में आता है, 10 इंच समझ में आता है, लेकिन 12 इंच 300 वाट तक के RMS वाले सबवूफर को ये इतनी बेहतरीन तरीके से चला रहा था, मानो कि एक एम्पलीफायर या बेस ट्यूब एम्पलीफायर पे ही बज रहा हो। अगर आपके पास 8 इंच 10 इंच और इस प्रकार का कोई 12 इंच का भी सब ऊपर है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो इस एम्पलीफायर पे बड़ी आराम से। 12 इंच के सब ऊपर पे भी एक काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि जो एक 300 वोट RMS का एम्पलीफायर आप लगाओगे और उस पर जितना परफॉर्म आपका 12 इंच सब ऊपर करेगा उतना ही इस पर करेगा। यकीन मानिए, अगर इस एम्पलीफायर को भी आप अपने 12 इंच के इस प्रकार के कोई सबवूफर है तो इस पे आप यूज़ करोगे तो आपकी कार में वाइब्रेशन 100% ये प्रोड्यूस करके दे देगा, इतना पावरफुल तरीके से आपके सबवूफर को ये चला देगा। तो गाइज अगर आप भी इस प्रकार का कोई बिल्ड बनाना चाहते हैं या डायरेक्ट एम्पलीफायर लेना चाहते हैं या दोनों का सिर्फ मटेरियल रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप कैटलॉग की लिंक मिल जाएगी और उसी में ही आपको और भी लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम, बाद में अपने व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, उसमें भी आप ज्वाइन होके अपनी फैमिली का हिस्सा बन सकते। यही था गाइस आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते ही ऐसे इंटरेस्टिंग और एक नए बिल्ड के साथ।